तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के एक और अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आपको जल्द ही मार्केट में देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइज, यह होगा सैमसंग गैलेक्सी S20 FE। सैमसंग इसे 23 सितंबर को इंडिया में लॉन्च करने वाला है। पहले कुछ लीक्स का मानना था कि इसका नाम सैमसंग गैलेक्सी S20 वाला है। तो यह सैमसंग की ओर से आने वाला मिड रेंज फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा, जिसमें आपको किसी भी चीज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको बेस्ट डिस्प्ले, बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट वीडियो और इमेज क्वालिटी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस स्मार्टफोन के सभी स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो स्वागत आपका KDC टेक पे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही टेक वीडियोस देखते रहने के लिए। तो गाइज, बात करें इसके स्पेक्स के बारे में, तो इसमें 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि एक पंच होल वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी, जहां इसमें आपको काफी नैरो बजल्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं बात करें इसके रेजोल्यूशन की, तो यह Full HD+ रेजोल्यूशन के साथ आएगी। और यहां पर खास बात यह है कि इसमें आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, तो इसमें आपको काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। वहीं इसमें HDR10+ का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले वाइज तो यह स्मार्टफोन डेफिनेटली काफी अच्छा होने वाला है। वहीं बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो यह दो वेरिएंट के साथ आएगा, जिसमें इसके 4G वाले वेरिएंट में Exynos 990 प्रोसेसर होगा। वहीं इसका 5G वाला वेरिएंट Snapdragon 865 प्रोसेसर के साथ आएगा, जहां इसमें 6GB और 8GB रैम के दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, साथ ही 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। तो यहां पर आपको परफॉर्मेंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा और आप इसे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं इसमें 45mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसको चार्ज करने के लिए बॉक्स में 45W का चार्जर देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसमें वायरलेस चार्जिंग और वायरलेस रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि इस फोन को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। नेक्स्ट बात करें इसके कैमराज के बारे में, तो इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे, जिनमें 12MP का मेन कैमरा होगा, साथ में 12MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 8MP का टेलीफोटो कैमरा होगा, और इसमें 3x तक का ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाएगा। वहीं इसके फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा होगा। तो इसमें आपको फ्लेक्सिबल लेवल के सभी कैमरा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और आप इसमें 8K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, साथ ही वाटर और डस्ट से प्रोटेक्शन के लिए IP68 रेटिंग, वाईफाई 6 और NFC का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि सैमसंग की ओर से अफोर्डेबल है। वहीं 23 सितंबर को सैमसंग का एक इवेंट होने वाला है, उस इवेंट में सैमसंग इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर देगा। तो दोस्तों, ये तो था सैमसंग की ओर से आने वाला गैलेक्सी S20 FE। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको अपकमिंग स्मार्टफोन की सभी